In this video, we will discuss about Platyhelminths. So, Platyhelminths is the another phylum of kingdom Animalia. Now, first we come on to the general features. What are the general features? So, Platyhelminths. Platyhelminths are also known as flatworm. इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? Flatworm कहा जाता है because they are dorso ventrally flattened, यानी dorsal और ventral, this side is the ventral side and this is the dorsal side, तो dorso ventrally flattened हो जाते हैं, तो that's why they are also known as flatworm. Now, what is the habitat, where the place where they live, तो most of them are parasite, अधिकतर platyhelminths क्या होते हैं बेटा, parasite होते हैं, only a very few of them are free living. और जो फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथ्स है, द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज प्लेनेरिया. यू हैड स्टडीड प्लेनेरिया इन द 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो, दैट दे शो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. ओके, द सिमेट्री मोस्टली शो दे शोइंग द बायलेटरल सिमेट्री. सिमेट्री कैसी है बेटा? बायलेटरल है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी थ्री जर्मिनल लेयर होंगी बेटा, थ्री जर्म लेयर्स. और थ्री जर्म लेयर्स में कौन कौन सी हो गई बच्चा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. तो इनके मीजोडर्म जो है वो इट इज ऑल्सो नोन एज द पैरेन्काइमा. नाउ यू विल से कि मैम कभी कॉलेनकाइमा वर्ड यूज़ करती है, कभी पैरेन्काइमा जो प्लांट टिश्यू में आते हैं, बट दे आर ऑल्सो नेम्ड इट. नेक्स्ट इज द सीलोम. सीलोम मीन्स कैविटी. तो एज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है बॉडी, बिल्कुल फ्लैट है, तो बेटा सीलोम होने की बात ही नहीं है, सीलोम इज एबसेंट. जो सीलोम हो जाती है, गट होती है, दैट इज फिल्ड बाय द पैरेन्काइमा टिश्यू. तो वो सीलोम इज फिल्ड बाय पैरेन्काइमा टिश्यू, सो दे आर ए सीलोमेट. ओके, तो व्हाट दे आर? ए सीलोमेट. नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो दैट इज दे शो द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके अंदर ऑर्गन्स मिलते हैं. ऑर्गन सिस्टम नहीं है, अभी केवल ऑर्गन है. एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बट सिस्टम नहीं है. नेक्स्ट आता है बेटा कि व्हाट आर देयर यूनिक फीचर्स. तो यूनिक फीचर के अंदर आता है कि एज दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सो दे आर कॉल्ड एज द फ्लैटवर्म्स. सेकेंड, मोस्ट ऑफ द फ्लैटवर्म्स आर एंडोपैरासाइट इन नेचर. अब एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट मीन्स दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. तो व्हेन दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, तो नेचुरली दे शुड हैव सर्टन फीचर्स सो दैट दे कैन रिमेन स्टिक टू द होस्ट बॉडी. इंटेस्टाइन में वो स्टिक रहे, नहीं तो इंटेस्टाइन क्या शो करती है बेटा? यू नो इंटेस्टाइन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती है, जिसको क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस. तो पेरिस्टाल्सिस से जब फूड मूव आगे कर सकता है, डाइजेस्टेड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड भी मूव करता है, तो दीज पैरासाइट कैन ऑल्सो मूव. तो टू प्रिवेंट देमसेल्फ टू एक्सपेल्ड आउट, यानी अपने आप को बाहर निकलने से बचाने के लिए इनके अंदर दे हैव हुक्स एंड सकर्स. तो हुक अटैच करने में हेल्प करता है और सकर न्यूट्रिएंट्स को सक करने में हेल्प करता है. तो दीज एंडोपैरासाइट्स दे हैव द हुक एंड सकर, विच इज़ द यूनिक फीचर ऑफ द प्लैटीहेलमिंथ्स. नेक्स्ट, बिकॉज दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, पहले से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है फ्रॉम देयर बॉडी सर्फेस, सो दे डज नॉट हैव एनी सच डाइजेस्टिव सिस्टम. इनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सक्रीशन. तो फॉर द एक्सक्रीशन दे हैव स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल्स. ये यूजुअली क्वेश्चन बनता है बेटा कि नेम द एक्सक्रीटरी सेल या एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द प्लैटीहेलमिंथ्स. तो आंसर विल बी द फ्लेम सेल्स.
अब यूजुअली इसको फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो ये ऐसे फ्लिकरिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए इसे कहा जाता है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यू ऑल नो, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, एंड ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड मिनरल इन द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल को मेंटेन करना इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। नाउ सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। नॉट सेपरेट इसका मतलब दे आर मोनेशियस। क्या होते हैं बेटा? मोनेशियस होते हैं, यानी बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। डेवलपमेंट में ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, डेवलपमेंट में दे पासिस थ्रू द मैनी लार्वल स्टेजेस, और मैनी लार्वल स्टेजेस की वजह से दे प्रोड्यूस फ्रॉम वन एग दे विल प्रोड्यूस अराउंड 20 न्यू इंडिविजुअल। क्या बोला बेटा मैंने? एक एग से करीब 20 इंडिविजुअल डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैनी लार्वल स्टेज, यानी एक लार्वा से 5 लार्वा भी बन सकते हैं, है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दो इट इज़ नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, बट आई एम जस्ट शेयरिंग इट। फॉर एग्जाम्पल लीवर फ्लूक को लेते हैं हम लोग। लीवर फ्लूक में एग से लार्वा निकला, दैट इज कॉल्ड एज माइरासीडियम लार्वा। माइरासीडियम ने फिर सिस्ट बनाया, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट से डेवलप हुए रेडिया, रेडिया से सर्केरिया, सर्केरिया ने फिर अपने चारों तरफ सिस्ट बनाया और उसको कहा जाता है मेटा सर्केरिया। एंड इन दिस स्टेज इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द सॉइल। और जब भी कोई भी गोट या शीप अगर उस सॉइल में लीव्स को खाती है तो ये लीव्स पे अटैच हो जाते हैं, तो दे एंटर इनटू देयर बॉडी, इनकी बॉडी में वो एंटर हो जाता है। तो दिस इज द मैनी लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। द मेन फीचर द प्लेनेरिया एज आई टोल्ड यू हैव वेरी हाई रीजनरेटिव एबिलिटी। द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लैटीहेलमिंथ्स इज द टीनिया विच इज कॉल्ड एज द टेपवॉर्म, एंड फेसियोला विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लीवर फ्लूक। तो टीनिया का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू, दे हैव द हुक एंड सकर्स लाइक दिस, देन दे हैव द बॉडी इज सेगमेंटेड। अब इनकी भी बॉडी क्या होती है बेटा? सेगमेंटेड होती है, एंड दिस सेगमेंटेड एज द बैक दे आर गोइंग दिस सेगमेंट इंक्रीज इन साइज। तो दीज आर द मैनी सेगमेंट, बट ये सेगमेंट एनालिडा जैसे नहीं है, ये सेगमेंट है, एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड एज ग्लॉटेड। और बेटा हर ग्लॉटेड में एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो कहने को ये एक सिंगल इंडिविजुअल है, बट अगर 100 ग्लॉटेड है तो 100 मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच, कितना ज़्यादा रेट होगा इनका रिप्रोडक्शन का, मीन्स दे हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्लॉटेड। ओके, फेसियोला और द लीवर फ्लूक विच यूजुअली इट रिमेन इन द पोक के अंदर होता है बेटा। पोक से ह्यूमन बींग में केवल उन्हीं ह्यूमन बींग्स में आते हैं, दोज ह्यूमन बींग विच फीड ऑन पोर्क। पोर्क मतलब द मीट ऑफ पिग। तो जो अनकुक्ड या रॉ पोर्क खाते हैं उनके अंदर ये लीवर फ्लूक ह्यूमन बींग में एंटर कर जाता है, अदरवाइज इसका प्राइमरी होस्ट शीप है और सेकेंडरी होस्ट इसका पोर्क है। ओके, तो दिस इज अबाउट द प्लैटीहेलमिंथ्स। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम एस्केलमेंथिस। तो नेक्स्ट हम लोग जो फाइलम ले रहे हैं, फाइलम एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस आर ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म।
एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेलमेंट्स. इनको सिंपली क्या कहा जाता है? हेलमेंट कहा जाता है. तो जो एस्केलमेंथीज होती हैं दे मे बी फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग हो सकते हैं बेटा, मे बी एक्वाटिक और टेरिस्ट्रियल, पैरासिटिक, पैरासिटिक भी एनिमल्स में भी पैरासिटिक हो सकते हैं, प्लांट्स में भी पैरासिटिक होते हैं. एनिमल्स के पैरासिटिक का अगर अपन लेते हैं तो एस्कैरिस ह्यूमन बीइंग में होते हैं बेटा, प्लांट्स में लेते हैं तो प्लांट का पैरासाइट जो है निमेटोडा, इट इज़ इन द एनसीईआरटी 12th क्लास, सो इट कैन कम इन द नीट, कैन नेम वन एस्केलमेंथीज विच इज़ पैरासाइट इन द प्लांट. तो इट इज़ द मेलॉयल डी गाइनी इनकॉग्निशिया, मेलॉयल डी गाइनी इनकॉग्निशिया, एम ई एल ई ओ डी आई जी वाई एन ई आई एन सी ओ जी एन आई टी आई ए, मेलॉयल डी गाइनी इनकॉग्निशिया. तो बेटा ये पैरासिटिक इन प्लांट्स, व्हाट आई एम टॉकिंग, पैरासिटिक इन प्लांट इज द मेलॉयल डी गाइनी इनकॉग्निशिया और पैरासाइट इन एनिमल एस्कैरिस, मैनी आर देयर. नाउ सिमेट्री, दे शो बायलेटरल सिमेट्री एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, मीन्स थ्री जर्मिनल लेयर आर देयर, एक्टोडर, मीजोडर एंड एंडोडर. द सीलोम, दे हैव अ स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एज आई टोल्ड यू दैट मीजोडर्मल पाउचेस गेट पिंच्ड ऑफ, ट्रू कैविटी नहीं होती, मीजोडर्मल पाउचेस पिंच्ड ऑफ हो जाते हैं एंड दैट फॉर्म स्यूडोसीलोमेट. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल्सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी राउंड वॉर्म से अब इनके अंदर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा, मीन्स या तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा और नर्वस सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक दैट दे हैव द ऑर्गन सिस्टम. नाउ वी कम ऑन टू व्हाट आर द यूनिक फीचर्स विच बिलोंग्स टू ओनली एस्केलमेंथीज. इसके अंदर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो एस्केलमेंथीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द फाइलम टिल वी स्टडीड हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मीनिंग होता है? दे हैव टू ओपनिंग्स, दो ओपनिंग है, वन इज माउथ एंड एनस. माउथ इज फॉर इंजेशन ऑफ फूड एंड एनस इज फॉर इजेशन ऑफ फूड, है ना. फूड को इंजेस्ट करने के लिए माउथ और इजेस्ट रिमूव करने के लिए एनस. तो दैट इज दे हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. नाउ एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट है, साथ में इनकी जो फेरिंग्स होती है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इम्पॉर्टेंट भी है कि देयर फेरिंग्स इज वेरी वेल डेवलप्ड एंड मस्क्यूलर. ये यूजुअली एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ द फेरिंग्स इन एस्केलमेंथीज, तो दैट इज दे हैव वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स, वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज दे हैव एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, एच शेप की ट्यूब होती है बेटा, इस तरह की हम स्ट्रक्चर ले सकते हैं. दिस शेप में एंड पोर के थ्रू ये आउट होती है. तो दिस हैज़ एन एक्सक्रीटरी ट्यूब विच रिमूव द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर. नेक्स्ट इज सेक्सेस, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स देयर इज अ क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट सी इन द लैब मेल एस्केरिस एंड द फीमेल एस्केरिस, तो इफ आई जस्ट ड्रॉ अ फीमेल एस्केरिस, तो फीमेल एस्केरिस विल बी क्वाइट लॉन्ग व्हाइल द मेल एस्केरिस इज स्मॉलर इन साइज. एंड मेल फीमेल एस्केरिस, जो फीमेल एस्केरिस है वो बहुत लंबी है, मेल एस्केरिस जो होता है वो स्मॉल होता है. दैट शोज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन जो है बेटा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. डेवलपमेंट इट मे बी डायरेक्ट और मे बी
इनडायरेक्ट, यानी कि मे बी लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन द इनडायरेक्ट और लार्वल स्टेज इज एब्सेंट, यानी डायरेक्टली द यंग वन इज प्रोड्यूस. तो दीज आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एस्केल्मेंथीस. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द, और एस्केल्मेंथीस का अगर हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं तो एग्जाम्पल में बेटा एस्केरिस, एस्केरिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वॉर्म. सेकेंड इज वुचरेरिया. ये वुचरेरिया बेटा आप लोग पहले पढ़ चुके हो इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड वाई डू वी फॉल इल में, जिसको हम कहते हैं फाइलेरियल वॉर्म विच कैन कॉज एलिफेंटियसिस, जिसमें लेग जो होता है वो एलिफेंट के जैसा मोटा हो जाता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द एलिफेंटियसिस. ओके, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द फाइलेरियल वॉर्म. इसके अलावा वन मोर इज एनसाइक्लोस सोमा, दैट इज एन साइक्लो स्टोमा, एन साइक्लो स्टोमा, एन साइक्लो स्टोमा इज ऑल्सो नोन एज द हुक वॉर्म. वेरियस अदर वॉर्म्स आर ऑल्सो देयर, जस्ट लाइक ब्लड वॉर्म, सिस्ट्रोशोमा जिसको कहते हैं, बट एट इज गिवन इन द बुक. वी कैन जस्ट हैव दीज एग्जाम्पल ऑफ द राउंड वॉर्म्स. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज एनिलीडा. नाउ एनिलीडा जो है बेटा, एनिलीडा वर्ड डिराइव हुआ है एन्यूलस, ए डबल एन यू एल यू एस. एन्यूलस मीन्स होता है रिंग. एन्यूलस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन में एन्यूलस का मीनिंग होता है रिंग. तो इनकी बॉडी में रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एनिलीडा. जनरल कैरेक्टरिस्टिक में लें तो हैबिटेट एक्वाटिक में भी मिलते हैं, और एक्वाटिक में मेराइन भी है और बेटा फ्रेश वाटर भी है. मेराइन का एग्जाम्पल लेते हैं तो मेराइन का एग्जाम्पल नीरीज आता है बेटा. फ्रेश वाटर में लेते हैं तो दैट इज फ्रेश वाटर लीच आती है. टेरिस्ट्रियल में अगर हम लोग लेते हैं तो दैट इज अर्थवर्म. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिलीडा. नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो दे हैव ऑल्सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ बायलेटरल सिमेट्री एंड सीलोमेट, यानी दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच हैव ट्रू सीलोम. एनिलीडा हैव द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच हैव ट्रू सीलोम. नेक्स्ट आता है यूनिक फीचर, दे हैव अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ये बेटा क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में भी और एग्जाम्स में भी. मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मीनिंग होता है? तो सबसे पहले चीज, अगर आपने कभी अर्थवर्म देखा है तो अर्थवर्म में इस तरह से बॉडी सेगमेंटेड होती है, और हर अर्थवर्म में द नंबर ऑफ सेगमेंट्स लिमिटेड रहते हैं 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं, और 23 सेगमेंट्स जो होते हैं उनमें बिल्कुल एग्जैक्टली हर अर्थवर्म में सिमिलर ऑर्गन एट द सेम पोजीशन प्रेजेंट होंगे. तो इसका मतलब हुआ कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दैट इज बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स, एंड दो सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामर्स, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. नाउ इफ यू कम ऑन टू द लोकोमोशन, तो दे हैव लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्क्युलर मसल्स. दिस इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर ऑफ द फाइलम एनिलीडा, दैट दे हैव लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्क्युलर मसल्स थ्रू विच दे कैन क्रॉल ऑन द सर्फेस. यानी ये टेरिस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, हम कहते हैं टेरिस्ट्रियल हैं, टेरिस्ट्रियल में अर्थवर्म आते हैं, तो उनके अंदर लॉन्जिट्यूडनल और सर्क्युलर मसल्स होती हैं विच हेल्प देम इन द लोकोमोशन. जबकि लोकोमोशन अगर हम लोग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में देखें तो उनके अंदर दे हैव पैरापोडिया. दिस इज द नेम पैरापोडिया. पैरापोडिया आर द लेटरल अपेंडेजेस, साइड से निकले हुए अपेंडेजेस होते हैं विच हेल्प इन द स्विमिंग, जो उसको वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं. कौन बेटा? पैरापोडियास.
नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप. वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज क्लोज. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड रिमेन इन द ओपन कैविटी कॉल्ड इज साइनसिस, वाइल इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज इन द क्लोज वेसल, नेवर कम इन ओपन स्पेस. तो दिस एनिलीडा हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. एक्सक्रीशन, तो इन फॉर एक्सक्रीशन दे हैव द स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड एज नेफ्रीडिया, एंड नेफ्रीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन. नाउ नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन विथ लेटरल नर्व टू फॉर्म अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. अब इसका स्ट्रक्चर बेटा किस तरह का होता है, तो अगर मैं एक अर्थवॉर्म का लेटरल साइड बना रही हूँ, जैसे ये अर्थवॉर्म है, ये अर्थवॉर्म है, तो मैं इसका ये वाला लेटरल साइड अगर बनाती हूँ, तो ये इफ़ आई विल ड्रॉ द लेटरल साइड, ये मैंने मेटामेरिक सेगमेंट्स बना रही हूँ बेटा, और ये इधर से माउथ, और ये एलिमेंट्री कैनाल बना दी सपोज, तो एक यहाँ पे गैंग्लियन प्रेजेंट होगा जिसको कहा जाएगा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, यानी इसोफेगस से ऊपर. एक नीचे की तरफ होगा, कहलाया जाएगा सब इसोफेजियल गैंग्लियन, और इस गैंग्लियन को एक ऊपर से नर्व कवर करेगी और एक इसके नीचे से नर्व कवर करेगी, और उसके बाद में दो लेटरल नर्व जाएंगी एंड फॉर्म दीज गैंग्लियन इस तरह से. ये जो ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ, दीज आर द नर्वस सिस्टम. तो दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन, सुप्रा इसोफेजियल, सब इसोफेजियल एंड ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. वेंट्रल पोजीशन पर, वेंट्रल मतलब जो जमीन की तरफ है, उस पोजीशन पर नर्व कॉर्ड है, और वो कैसी है बेटा, डबल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. तो दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द एनिलीडा. नेक्स्ट वी कम ऑन टू एनिलीडा में अगर हम लोग देखते हैं कि सेक्सेस कैसे होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, वेदर दे आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल और इन टू डिफरेंट इंडिविजुअल, तो देयर इज अ वेरिएशन. नीरीज जो एक्वेटिक एनिलीडा है, दैट इज डायशियस. डायशियस मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. फीमेल reproductive organ are present in different individual. जैसे हम लोग हैं बेटे, human being, cow, dog, cat, ये सब डायशियस हैं, जबकि अर्थवर्म और लीच जो होते हैं ये monoecious. Monoecious means both male and female reproductive organ present in single individual. एक ही individual में male organ भी होगा और female organ भी. Sexual reproduction करते हैं बेटा, fertilization internal होती है, और direct development भी हो सकता है और indirect development भी हो सकता है. The example is Nereis. Earthworm, earthworm का name होता है Ferritima. एंड लीच, लीच का नेम होता है बेटा हिरुडिनेरिया. इसका जो ये नेम है हिरुडिनेरिया, लीच इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी आ रही है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना. लीच इज सेंग्वी वोरस. सेंग्वी वोरस, सेंग्वी मतलब दोज विच फीड ऑन ब्लड, ब्लड फीडर. दे फीड ऑन ब्लड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेंग्वी वोरस. तो सेंग्वी वोरस होती हैं, और बेटा जब ये ब्लड सक करती हैं, आपको पता है लीच जॉक जिसे कहते हैं, अगर किसी की बॉडी पर स्टिक हो जाती है एंड स्टार्ट सकिंग द ब्लड, तो क्या होगा बेटा, दे मेक अ ट्राइंगुलर कट, इस तरह से एक कट कॉज करती हैं स्किन में, और दे स्टार्ट सकिंग द ब्लड. अब जब ब्लड सक करते हैं, तो ब्लड की एक एबिलिटी होती है टू कोएगुलेट, तो वो कोएगुलेट ना हो, क्लॉटिंग ना हो ब्लड में, तो उसके लिए दे रिलीज वन सलाइवा.
लिक्विड रिलीज करती है एंड दैट लिक्विड इज हीरोडिन. और ये हीरोडिन जो है बेटा ये एक एंटीकोएगुलेंट है. एंटीकोएगुलेंट मतलब जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, एंड उसके नेम पर ही इसका नाम है बेटा हीरोडिनेरिया. तो दिस इज अबाउट फाइलम एनेलिडा. थैंक यू.